फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में हमारे सिर पे दो चीज़ें आके मंडराती हैं। सबसे पहले तो इनकम टैक्स फाइल करो, और दूसरा क्या होता है, अपार। इनकम टैक्स तो समझ आता है क्योंकि उसके अंदर कुछ वापस मिलने की उम्मीद रहती है कुछ इधर उधर दिखा के, बट जो अपार है उसके बारे में जिससे भी बात की उससे उन्होंने ये बताया कि कुछ भी भर दो सबको सेम मार्किंग ही मिलती है। तो क्या ऐसा सही है या नहीं, अपार की क्या इंपॉर्टेंस है, आज हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निशांत शर्मा, स्टडी केड़ा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे अपार को, एंड ट्रस्ट मी, मेरी रीजनल लैंग्वेज के चक्कर में मैं वैसे ही बहुत फास्ट बोलता हूँ, बट स्टिल अगर आपको लगता है आप इस वीडियो को 1.25 पे 1.5 पे, लेकिन इस वीडियो को आप ज़रूर देखें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अगर आपने इन फ्यूचर MSCP लेना है, मतलब प्रमोशन अगर लेना है, या आपने ये भी सोचा है कि ग्रुप बी का एग्ज़ाम जो होता है, मतलब ऑफिसर बनना है और उसके बाद में IRPS IRTS ऐसी कोई रैंक अगर आपको लेनी है, तो उसके लिए अपार की क्या इंपॉर्टेंस है इस वीडियो के बाद आपको समझ आएगी। या कोई भी आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके अंदर मोस्टली जो बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपार की। देखो, अपार का मतलब क्या होता है, एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट। अब उसके बारे में हमको ये तो समझ आता है कि हम उसके अंदर जो 100 वर्ड्स में हमको लिखना होता है कि हमने पूरे साल में हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एक्स्ट्रा दिया है, या हम क्या करते हैं उसके बारे में अपने की पॉइंट्स डालते हैं। हम कभी भी जाके, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वो चेक भी नहीं करते कि उनको मिला क्या है, बस वो फाइल करके छोड़ देते हैं। लेकिन अपार की इंपॉर्टेंस क्या है, तो अपार की इंपॉर्टेंस दो जगहों पे आती है। एक आपने MSCP सुना होगा, मॉडिफाइड एश्योर्ड परफॉर्मेंस स्कीम, जिसके अंदर हर 10 20 और 30 साल में आपको प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपके कैडर के अंदर ऊपर, मतलब जो बड़ी पोस्ट है उसके लिए जगह चाहे हो चाहे ना हो। मतलब अगर हम बात करें एक टेक्नीशियन के बारे में बात करें, या एक JEE के बारे में बात करें, अगर JEE को SSC बनना है और SSC की सीट्स खाली नहीं है, 10 साल से खाली नहीं हो रही, तब भी उसको हर 10वें साल पे प्रमोशन देना ही पड़ेगा। इसको लेके गवर्नमेंट स्कीम लेके आई थी। वैसे ही जब आपका MSCP फाइल होता है तब आपके अपार की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आपके अपार में कैसी ग्रेडिंग है उसके बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम ग्रुप बी के एग्ज़ाम की बात करें, तो ग्रुप बी अगर आप बनना चाहते हो ऑफिसर, अगर आप बनना चाहते हो कि आपके नाम से के आगे IRPS IRTS है, जो भी आप जिस भी डिपार्टमेंट में हो वो लगे, तो उसके अंदर एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस होती है। और अपार कैसे वो खेल खेलता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अपार को समझने से पहले अपार की की पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। अपार की जब भी हम बात करेंगे तो अपार के अंदर 3 मेजर खिलाड़ी होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं वो होता है रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसको रिपोर्टिंग ऑफिसर भी बोलते हैं। देन सेकेंड वन इज़ रिव्यूइंग ऑफिसर, रिव्यूइंग अथॉरिटी बोल सकते हैं। और लास्ट में होते हैं एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। हर लेवल के लिए ये अलग लोग होते हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट जो है वो आपको समझने पड़ेंगे। बहुत नाम से समझ आ रहा है कि एक जो सबसे स्टार्टिंग स्टेज है वो रिपोर्ट, मतलब वो रिपोर्ट बना के ऊपर सबमिट करेंगे, जो सेकंड नंबर वाले हैं वो उसको रिव्यू करेंगे, और लास्ट वाले उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, रेलवे में लेवल के हिसाब से इसको अलग अलग रूप में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के बीच में हो, तो उस केस के अंदर आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होते हैं वो आपकी फाइल रिपोर्ट करके आगे भेज देंगे। देन आपकी रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग दोनों एक ही ऑफिसर होते हैं, जो भी आपके ऑफिसर रहेंगे वो एक ही आदमी रहेगा, और वो दोनों इस दोनों पोस्ट का वो एक ही आदमी काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे लेवल 6 में, मतलब अगर आप 4200 पे ग्रेड के अंदर हो, आप 4200 पे ग्रेड में हो, तो उस केस के अंदर तीनों लोग आपके अलग अलग होंगे। रिपोर्टिंग अथॉरिटी रिपोर्ट करेंगे, रिव्यूइंग अथॉरिटी आपके मिनिमम एक जूनियर स्केल के ऑफिसर रहेंगे। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग के अंदर, तो मान लो आप किसी बड़े स्टेशन पे हो, तो आपके जो सुपरवाइजर है स्टेशन के, SS अगर मान लो है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे रिपोर्टिंग अथॉरिटी। देन अगर आप ऑपरेटिंग में हो, तो AM सर जो होंगे वो क्या होंगे, आपके रिव्यूइंग अथॉरिटी। और JEE रैंक के जो ऑफिसर रहते हैं, मतलब हमारे जो ब्रांच हेड रहते हैं, ब्रांच ऑफिसर रहते हैं, तो सीनियर DM सर रहेंगे, वो क्या रहेंगे, आपके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। सेम चीज अगर हम बात करें 4200 से ऊपर, जो 4600 पे ग्रेड वाले हैं, उनके अंदर जो रिपोर्ट बनाने वाले होते हैं वो मिनिमम जूनियर स्केल के ऑफिसर होने चाहिए। तो अगर हम ऑपरेटिंग की ही बात करें, तो उनके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है, रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होते हैं, वो कौन होंगे, वो AM सर होते हैं, उसके बाद सीनियर DM सर, और उनके एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हमारे डिवीजन के ADRM सर जो होते हैं वो होते हैं। मतलब उनकी फाइल उनकी AM से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी, ADRM। वैसे ही अगर हम JEE की बात करेंगे, तो JEE के ऊपर SSC है अगर वो 4200 के अंदर है, तो ठीक है, उसके बाद SSC के बाद उनके AE के पास जाएगा, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, उनके बाद उनके सीनियर DE सर के पास जाएगा। तो आप अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से इस चीज़ को समझ सकते हो। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अपार है वो आपके MSCP में कैसे गेम चेंजर के रूप में निकल के आता है। 25/7/2016 से पहले
क्या होता था कि जो आपके लेवल्स हैं मतलब जो आपकी ग्रेडिंग है उसके हिसाब से आपको मार्किंग मिलती थी। हम अगर समझना चाहें टोटल 5 ग्रेडिंग होती है, बिलो एवरेज मतलब आपने काम कैसे किया उसके हिसाब से आपको बिलो एवरेज मिलेगा, या आपको एवरेज मिलेगा, या आपको गुड मिलेगा, या वेरी गुड, या आउटस्टैंडिंग। तो बिलो एवरेज का 1 नंबर, एवरेज के 2 नंबर, उसके अलावा गुड के 3 नंबर, वेरी गुड के 4 नंबर, आउटस्टैंडिंग के 5 नंबर। लेवल 1 वाले जो होते हैं उनको अभी भी नंबरिंग मिलती है, ठीक है। बाकी लोगों को हम ग्रेडिंग मतलब ग्रेडिंग देंगे, मतलब आपने वेरी गुड अच्छा काम, वेरी गुड काम किया, आपने आउटस्टैंडिंग काम किया, तो उस हिसाब से आपके नंबर कैलकुलेट होते थे। अब देखो एमएससीपी की बात करेंगे तो अपार कैसे गेम चेंजर के रूप में निकल के आता है, पहले आप समझो। 25/7/2016 से पहले क्या होता था कि अगर आपको एमएससीपी लेना है, पहले बात तो हम समझते हैं एमएससीपी मिलता कैसे है। एमएससीपी मिलता है जब आपके 10 साल, जब भी आप एमएससीपी में ड्यू हो गए, मतलब अगर आपको जब भी आपकी ड्यूटी के 10 साल पूरे होंगे, मान लो मैं हूँ, मैं अप्रैल 2024 को अगर मैं ड्यू हो रहा हूँ, तो उससे पिछले 3 साल के मेरे अपार को वो ले लेंगे, मेरे को क्या ग्रेडिंग मिली है, मतलब बिकॉज मैं अप्रैल में हूँ तो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो 2024, 2023 और 2022 ये 3 साल का मेरा अपार ले लेंगे, उसमें मेरे को कितनी ग्रेडिंग मिली है वो ग्रेडिंग ले लेंगे, उसके हिसाब से मेरे को क्या मिलेगा, एमएससीपी देना है या नहीं देना, मैं सूटेबल हूँ या अनसूटेबल हूँ, वो कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही अगर मान लो मैं जनवरी 2024 में ड्यू हो गया हूँ, तो फिर बिकॉज फाइनेंशियल ईयर तो निकल गया, तो उस केस में वो क्या करेंगे, 2023 का, 2022 का और 2021 का, वो 3 साल का मेरा अपार देखेंगे, उसमें मेरे को कितनी ग्रेडिंग मिली उस हिसाब से मैं सूटेबल हूँ या नहीं वो चेक करेंगे। अब सूटेबिलिटी कैसे चेक करते हैं वो आप समझो। 25/7/2016 से पहले जो मैंने लेटर आपको बताया, इससे पहले आपको हर ग्रेडिंग के नंबर मिलते थे, बिलो एवरेज का 1 नंबर, एवरेज के 2 नंबर, गुड के 3 नंबर, वेरी गुड के 4 और आउटस्टैंडिंग के 5। ये नंबरिंग अभी भी ऐसे ही है, पर इस लेटर से पहले अगर आपके पास 9 नंबर हैं वो कैसे भी हो तो आपको वो सूटेबल कर देते थे। मतलब मान लो आपने, आपको मान लो मैं अभी की बात करता हूँ, मेरे को पिछले साल जो 3 साल की मैं बात करूँ, मेरे को पहले साल मिल गया एवरेज, तो एवरेज का मतलब मेरे को सिर्फ 2 ही नंबर मिले, उससे अगले साल मेरे को आउटस्टैंडिंग मिल गया मतलब 5 नंबर मिल गए, और उसके अगले साल मेरे को वेरी गुड मिल गया तो मेरे को 4 नंबर मिल गए, तो अगर मैं सबको जोड़ूंगा तो मेरे 11 नंबर बन रहे हैं, 9 से ऊपर है तो मैं सूटेबल हो जाता हूँ। लेकिन इस लेटर के बाद इन्होंने क्या कर दिया, ये एक्चुअली ओएम आया था, ऑफिस मेमोरेंडम आया था, इसके बाद इन्होंने क्या चेंज कर दिया, इन्होंने बोला कि आपको मिनिमम वेरी गुड होना जरूरी है, मतलब पिछले 3 साल में। और याद रखना वेरी गुड का मतलब क्या बनता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मतलब लोग क्या सोचेंगे 4 × 3 = 12, मतलब अगर मेरे 12 नंबर आएंगे तो मेरे को एमएससीपी मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपके 1 साल आउटस्टैंडिंग दिया, दूसरे साल भी आउटस्टैंडिंग दिया और उससे पहले आपको गुड मिला है, तो नंबर कितने बनते हैं आपके, आपके टोटल नंबर मिल जाते हैं, बन जाते हैं 5 × 5 = 10, और उसके कितने हो गए 3, 13 नंबर बन रहे हैं, पर आपको नहीं मिलेगा। आपके पास मिनिमम पिछले 3 साल में वेरी गुड होना जरूरी है। 1 साल आउटस्टैंडिंग फिर वेरी गुड चलेगा, आउटस्टैंडिंग 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 तो चलेगा ही, और आउटस्टैंडिंग वेरी गुड चलेगा, बट अगर आपको 2 साल आउटस्टैंडिंग मिला है और एक साल आपको अगर गुड भी मिला है तब भी आप एमएससीपी के लिए सूटेबल नहीं होगे। और याद रखना प्रमोशन एक ऐसी चीज़ रहती है जो आपको जॉब में काम करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करती है, बिकॉज आपकी सैलरी में एक थोड़ा सा जंप आता है। तो इसलिए अगर आपको, आपने अगर अपना अपार चेक नहीं किया तो अपने अपार को चेक करो, अगर आपको वेरी गुड नहीं मिला या आपको गुड मिला है, अगर आपके सीनियर के साथ थोड़ी सी कटाकटी हुई है पिछले साल में और आपको लगता है कि कुछ हो सकता है तो उसको चेक करो। उसके लिए आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, वो कैसे डालते हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अब ये तो बात रही एमएससीपी में, अब ग्रुप बी के एग्ज़ाम्स में ये जो अपार है वो कैसे गेम चेंजर है वो समझो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बात तो रहेगी हमारी एमएससीपी की, अभी ग्रुप बी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ट्रस्ट मी इसके मार्क्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनको ये डबल कर देते हैं बोले तो। वो पिछले 3 साल का आपका अपार लेंगे, उसमें आपके जो आपको ग्रेडिंग मिली है उस ग्रेडिंग के हिसाब से आपके नंबर निकालेंगे और उसको डबल कर देंगे। मान लो आपको वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मिला है, मतलब आपको पिछले 3 साल में कितने बने 12 नंबर बनते हैं, तो इसको डबल कर देंगे मतलब आपके 24 out of 30। अगर आपको 3 साल 5 5 5 नंबर मिले हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग मिला है, तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे 30 out of 30। मतलब अगर आप ये समझो कि किसी के पिछले 3 साल में आउटस्टैंडिंग है और कोई आदमी ऐसा है जिसने आपसे अच्छा एग्जाम लिखा है लेकिन उसको गुड वेरी गुड वेरी गुड मिला है, तो वो ऑलरेडी आपसे 8-9 नंबर पीछे हो गया है। और ग्रुप बी के एग्ज़ाम में एक एक नंबर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन रहता है,
बिकॉज वो एक एग्ज़ाम गिन के दो तीन पोस्ट आती हैं, रेस्ट ऑफ द लाइफ आपकी चेंज कर देता है, ठीक है। और रेलवे में आपको पता है एक ऑफिसर ग्रेड की जो वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट है, जो उनको मतलब जो फैसिलिटीज भी मिलती हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल रहती हैं, ठीक है। थीके? तो इसलिए अगर आपका अपार आपने चेक नहीं किया तो जाके कीजिए, और आप रिप्रेजेंटेशन डालना आपका हक है, आप डाल सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर मैंने काम अच्छा किया, मेरे को फ्यूचर में मेरा ये प्लान है, प्लीज़ मेरे को आउटस्टैंडिंग दो। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार कौन बैठेगा ग्रुप बी में, ऑफिसर में बहुत टेंशन रहती है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ या कितना मेरा टाइम रह गया, वो सब चीज़ के अंदर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वेरी गुड भी मिल गया तो चलेगा, लेकिन ग्रुप बी का एग्ज़ाम में अगर आप बैठने वाले हो, मेरे को लगता है जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सब ग्रुप बी में बैठेंगे, तो वो लोग अपना अपार एक बार जाके जरूर चेक करें और रिप्रेजेंटेशन डालें। ये लेटर जो मैं आपके सामने लाया हूँ, ये लेटर भी आप इसमें देख सकते हो, इसके अंदर लास्ट वाली लाइन अगर आप देखोगे तो जिस दिन आपका अपार फाइनल हुआ है उससे 15 दिन तक या फिर 30 नवंबर 2024 के पहले, जो भी बाद में पड़ रहा है, आप अपना रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। तो बहुत सारे लोगों का तो वो फाइनल हो गया होगा, और अगर आपको डालना है, अगर आपको नहीं मिला आपके हिसाब से तो आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, पर याद रखना वैलिड डालना, ऐसा नहीं है कि डाल ही देता हूँ, आपके पास कुछ वैलिड पॉइंट हो तो भी आप डाल देना उसको। तो इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। अब इसके बाद आपको कैसे रिप्रेजेंटेशन डालना है, वो किस किस के पास जाएगा, अगर आप जाके रिक्वेस्ट भी करना चाहते हो, तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टडी गाइड को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और एक थोड़ी सी दुखद इन्फॉर्मेशन है, हमारा टेलीग्राम चैनल था उस पर 7,000 फॉलोअर्स थे, वो किसी कॉपीराइट की वजह से बंद हो गया। हमको पता नहीं था, मतलब पता बोले तो किसी ने पोस्ट किया, हमने पोस्ट अलाउ कर रखा था, उन्होंने पोस्ट करना चालू किया और उस पर स्ट्राइक आया, और आई थिंक उन्होंने हमको चांस भी नहीं दिया उसको रिवाइव करने का, और वो जो टेलीग्राम लिंक है, वो टेलीग्राम चैनल जो है वो बंद हो गया। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, पहली वाली वीडियोज़ में आपने देखा होगा। तो हमने नया ग्रुप बनाया है सेम नेम से, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हमारा कंटेंट, अगर आपको रेलवे से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जाके फॉलो कीजिए, बिकॉज उस पर हम सब डालते हैं, डेप्यूटेशन, नए एग्ज़ाम्स, GDC, LDC, प्रीवियस पेपर, नई वीडियोस के लिंक, पुरानी वीडियोस के लिंक, सब कुछ, ठीक है। तो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद।